हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन और ये टॉपिक आपका नीट जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो प्लस टू से रिलेटेड हैं एंड टैट और टीजीटी नॉन मेडिकल, ठीक है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन को जब भी हम वेरीफाई करते हैं, पहली बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। जब हम किसी बॉडी को किसी एंगल के ऊपर भेजते हैं, ठीक है, तो वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है, जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो हमारे पास दो तरह का होता है आपके पास, वन इज हॉरिजॉन्टल, एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की जब बात करते हैं आप, हॉरिजॉन्टल से क्वेश्चन आता है आपके पास, वर्टिकल से भी आता है। हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए सिंपली, आपको प्रोजेक्टाइल को अगर करना है, कुछ नहीं याद करना है, ना ज़्यादा समझना है, बस कुछ फार्मूलाज और डायग्राम को याद रखना है। देखो हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है कि हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली स्पीड दी, ठीक है। अब बॉडी ऐसे जाएगी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो ऐसे ऐसे पाथ फॉलो करते हुए आगे गिर जाएगी, ठीक है। तो दिस दे फॉलो द पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अब इस पैराबोलिक पाथ में उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या दे दी हमने, u, यहाँ पहुँची वो, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलेंगे आप, उसके इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम r, r मतलब रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बोल देते हैं यहाँ, या रेंज। और ये जो ये पॉइंट है, इस चीज़ को बोलेंगे आप हाइट, ठीक है, हाइट h। ओके, ए से लेकर बी तक आने के लिए जो उसको टाइम लगेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम टी। टी क्या है आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर है। अब इस चीज़ में जब भी आपको कुछ करना है तो इसमें आपको क्या चाहिए, फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे देखो, जब बॉल ऊपर से फेंकी, यहाँ स्ट्राइक की आपके पास, ठीक है, तो आपके पास जो टाइम का फॉर्मूला आता है, टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट टू एच अपॉन जी, क्लियर है। अब आपको पता है कि बॉल यहाँ को गई, तो रेंज, रेंज आपके पास आता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड यू है और टाइम कितना आ गया हमारे पास, टू एच अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला है मेरे पास जस्ट इसके लिए, जब भी कोई यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके अलावा बड़ा रेयर है कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके पास यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल करते हैं हम, कोई एरोप्लेन है आपके पास, एरोप्लेन इज एट हाइट, ठीक है, 1 किलोमीटर ले लिया हमने, ठीक है। अब वो एरोप्लेन है या मान लो फाइटर जेट है, उसने एक बॉम्ब थ्रो कर दिया, कोई बॉडी थ्रो की वहाँ से ऊपर से, ठीक है। तो जब भी उसका रास्ता फॉलो होगा, वो किस साइड से जाएगा, ऐसे वो थ्रो करेगा, मान लो आगे को जा रहा है, वो कोई चीज़ थ्रो करेगा तो वो ऐसे स्ट्राइक करेगी नीचे को। तो मान लो एरोप्लेन की स्पीड उसने दी आपके पास 600 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बोला जा रहा है कि जो बॉडी वो फेंकेगा वो कितने दूर गिरेगी, मतलब उस पॉइंट से वो कितने दूर गिरेगी, तो उसको रेंज पूछा जा रहा है। और दूसरा पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में वो नीचे गिरेगी, दैट इज टाइम पूछा जा रहा है आपके पास। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास सबसे पहला काम क्या होगा, जब ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम बात कर रहे हैं हाइट, क्वेश्चन में हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में, जब गिवन की बात कर रहे हैं आप, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अगर मैं ऐसा यूनिट्स की बात कर रहा हूँ तो 1000 मीटर। यू कितना दिया है, 600 किलोमीटर पर आवर, 600। अब देखो किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है हमने, मीटर पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 किलोमीटर पर आवर में
कितने मीटर पर सेकंड होगे। तो देखो इसका मतलब बना 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 आवर 3600 सेकंड। ओके कट करेंगे आप इसको 5 और यहाँ आ गया 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे जब इसको हमने सॉल्व किया किससे 5/18 मीटर पर सेकंड। ओके अब देखते हैं हम किससे डिवाइड हो सकता है, 6 से 300, कितना आ गया 500/3 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से जा रहा था और हाइट हमने बता दी है। अब हमें पता है कि हमें क्या पूछा जा रहा है, रेंज। तो रेंज के लिए फॉर्मूला है हमारे पास R इज इक्वल टू यू इंटू टी। अब मुझे टी भी चाहिए, टी इज इक्वल टू यू नो 2H/g। ओके 2 × H 1000/g, जी की वैल्यू भी हम क्या लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 10, 0 से 0। अब देखो 100 है, 100 का स्क्वेयर रूट जो है 10 आ जाएगा और अंडर रूट 2 साथ में आ जाएगा, 10√2 सेकंड। ओके अगर आपको ज़्यादा ही कैलकुलेट करना है तो आप अंडर रूट 2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.414, दैट इज 14.14 सेकंड। ठीक है, बिकॉज वी नो अंडर रूट 2 इज 1.414। तो अब देखो भर दो वैल्यूज यहाँ, आर आर कितना बन रहा है यू 500/3 × 10√2, ठीक है 5000/3 × 10√2। क्लियर है? और ज़्यादा इसको सॉल्व करना है आपने तो 5000 1.414 या 1.4 भी ले सकते हैं आप इसको 3। ओके कट कर दिया, 0.3 × 4 = 12, 7। ओके दैट इज 5 × 471, 5 इतने मीटर, या आप बोल सकते हैं कि 2.355 किलोमीटर। तो इतने दूर जाके आपके पास जो बॉडी थी वो गिरेगी जाके, ठीक है? तो समझे आप कैसे सॉल्व करना है। तो इससे अलावा और आपके पास यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, जो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो जल्द ही आएगा आपके पास, बने रहिए। थैंक यू सो मच।